अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो उसके लिए मैंने ये लिए हैं, एक बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए, जो मोटा मोटा मैंने इसको काट लिया है। और ये लहसुन लिया है, तकरीबन ये हमारे 2 टेबल स्पून है। हम दोनों चीज़ों को पीस लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए, हमने बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, चलाएं देखते हैं। मैंने एक पतीली में सबसे पहले लिया है ऑयल मैंने लिया है 1/2 कप। तो अब मैं उसमें शामिल कर दूंगी, इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये प्याज का पेस्ट, जो लहसुन और प्याज का पेस्ट मैंने बनाया था, उसे ऐड कर देंगे। अच्छा, हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं इससे ऐड कर दूंगी हल्दी मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, इसे हम ऐड कर देंगे। इसमें मैं ऐड कर दूंगी सॉल्ट टू टेस्ट है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। और इसे मिक्स कर लेंगे हम, और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए। इतना हम भुनेंगे इसे, और इस मसाले को भूनते रहेंगे। और इसमें अगर नीचे लग रहा है मसाला, तो उसमें हम पानी डाल के इसको भुनेंगे हम, ताकि मसाला नीचे लगने ना पाए और अच्छी तरह से मसाला भुन भी जाए। इतने हमारा मसाला रेडी हो रहा है, तो मैं बेसन रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ बेसन लिया है, तकरीबन है ये 1.5 कप बेसन लिया है मैंने। और यहाँ मैंने लिया है दही मैंने ये 1/2 किलो से थोड़ा सा कम है, तो ये तकरीबन 1/2 किलो के करीब ही है। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी साथ ही बेसन के, ये दही मैंने सारी इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। अच्छा जी, अब हम इसे करेंगे मिक्स। इसमें साथ साथ मैं पानी भी ऐड करती रहूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी पहले मैं इसको ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इतना पेस्ट इसको ऐसे बना लिया कि देखिए इतना अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। और इसमें कोई लम्स कोई गुठली बाकी नहीं है, तो मैंने इतना अच्छा इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा साथ ही पानी ऐड कर दूँगी, ताकि ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाए बिल्कुल।